दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको स्टेट लेवल जॉब में इंटरेस्टेड है या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टेट में लेटेस्ट कौन सा जॉब सब निकला है तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टेट रिलेटेड जितना भी जॉब है अलग अलग स्टेट का सब वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ ये निकला है एयर इंडिया तरफ से और यहाँ पर दोस्तों ट्रेनिंग कंट्रोलर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है पोस्ट सब निकला है। तो ट्रेनिंग कंट्रोलर में जो पोस्ट निकला है यहाँ पे आपका जो जनरल कैटेगरी में एज है 42 इयर्स, एसीएसटी में 47 और ओबीसी में 45 इयर्स रखा गया है। और जो ट्रेनिंग कंट्रोलर में क्वालिफिकेशन बोला है बीटेक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो इंजीनियरिंग डिग्री में, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है इन पायलट केबिन क्रू रोस्टिंग इन ए शेड्यूल एयरलाइन, या फिर अगर आप 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हैं और वहीं पे कुछ एयर एविएशन में एविएशन सेक्टर में अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग कंट्रोलर में डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पे जो पोस्ट निकला है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन बोला है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है क्रू रोस्टिंग मूवमेंट कंट्रोल इन ए शेड्यूल एयरलाइन में अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 अगर पास किए हैं तो मिनिमम 1 ईयर का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ट्रेनिंग कंट्रोलर में जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 ईयर का है, यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में आपको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा और कन्फर्मेशन होने के बाद आपका जो सैलरी है 45,000 पर मंथ मिलेगा। वैसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर में मिनिमम जो आपको 21,000 पर मंथ स्टार्टिंग में मिलेगा। उधर बेनिफिट में यहाँ पे आपका जो बोला है कि एनुअल इंक्रीमेंट, पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल बोनस, बाकी जो सब है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और अपॉइंटमेंट जो है दिल्ली और मुंबई में यहाँ पे रखा गया है इनिशियली। और ट्रेनिंग जो है कंपनी ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा और ये जो है इनिशियली जो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में है जो इनिशियली 5 ईयर्स का यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 50,000 का एक तो बॉन्ड यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। और ये है वॉकिंग इंटरव्यू है जो कि 30 अप्रैल में, ट्रेनिंग कंट्रोलर का 30 अप्रैल में है जो कि CMS डिपार्टमेंट एयर इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली में है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 मई को है सेम लोकेशन में। तो इसको आपको जो अप्लाई करना है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर्मेट है आपको जो एयर इंडिया का वेबसाइट है www.airindia.in वहाँ पे आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये सब आपको पेस्ट करके इसको आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बाकी जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे और एक तो चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट 1,000 रुपीज़ का लगेगा जो आपका ट्रेनिंग कंट्रोलर के लिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 500 रुपीज़ का लगेगा जो कि एयर इंडिया लिमिटेड नाम पे होगा और पेबल एट दिल्ली। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट लेके वॉकिंग में एंट्री जो है वॉकिंग अटेंड करना है। तो इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हैं। तो एज लिमिट काफ़ी अच्छा है, 45 इयर्स तक है ओबीसी के लिए, एसीएसटी के लिए 47 और जनरल के लिए 42। तो आप एक बार चेक कर लीजिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।